एल से लाइट और एल से लाइफ, मैं बात कर रहा हूँ भुवन भास्कर सूर्य भगवान की। यही भुवन भास्कर सूर्य भगवान साल भर की लगभग 14 से 17 तारीख के बीच में अपनी राशि बदलते हैं। हर महीने ये एक राशि में रहते हैं और 14 से 17 के बीच में अपनी राशि को बदल देते हैं। इसी राशि की बदलने वाली प्रक्रिया को हम लोग संक्रांति कहते हैं। आज हम बात करेंगे साल 2023 में यही धनुर्मास कब रहेगा, धनुर्संक्रांति कब रहेगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में धनुर्संक्रांति का बहुत महत्व है। इस धनुर्मास के एक महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की महिमा बहुत ज्यादा हमारे स्कंद पुराण में, शिव पुराण में विस्तार से वर्णन है। इस यह एक महीना पूर्ण रूप से भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति ही समर्पित है। इस एक महीने में किसी भी प्रकार के सांसारिक कार्यों में लिप्त न होकर के, अपने निजी अपने स्वार्थ के कार्य न कर करके, यह एक महीना हमें भगवान श्री हरि के प्रति, यह एक महीना हमें भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। इन एक महीने में आप भगवान श्री हरि विष्णु के जो शास्त्रों में वर्णित विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में उनके जो उत्सव है उनको हम कर सकते हैं। प्रतिदिन विष्णु पुराण का एक पाठ, दो पाठ, पांच पाठ, इसको आप पढ़ सकते हैं, या फिर 5 से 8 या 11 आप विष्णु सहस्त्र नाम इनको सुन सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु से संबंधित जितने स्तोत्र हैं उनका पाठ श्रवण आपको इस धनुर्मास में अवश्य करना चाहिए। यह धनुर्मास हमारे अगर आप दक्षिण भारत में देखें तो यहाँ पर तो भगवान श्री हरि विष्णु के तिरुपति बालाजी का जो रामानुज संप्रदाय से संबंधित है, उनके संप्रदाय में तो दक्षिण भारत में गोदा रंगनाथ उत्सव पूरा एक महीने मनता है, और अंत में जब एक महीना पूरा हो जाता है तो उनका घृतपान, विनायक, एक बहुत धूमधाम से विवाह उत्सव भी मनता है। तो इस विवाह उत्सव में नाम क्या दिया गया, उत्सव। इसलिए इस एक महीने में हमें उत्सव मनाने चाहिए, उत्सव धार्मिक उत्सव, सांसारिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। यह एक महीना हमें भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं मुख्यतः इस एक महीने में कौन कौन से कार्य जो शास्त्रों में वर्जित बताए हैं जो नहीं करना चाहिए, उन पर हम चर्चा करते हैं। इन एक महीने में आपको भी नया कार्य जैसे नूतन गृह प्रवेश, नया वाहन खरीदना, भूमि का खरीदना बेचना है, नींव या भूमि की पूजा करना है, बोरिंग खुदवाना है, देव देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा है, पहली पठावन यानी विवाह से लौट कर आई है तो पहली बार लौट कर ससुराल जाना है, उसके अलावा उपाकर्म उत्सर्ग है, अष्टका श्राद्ध है, मुंडन है और उपनयन है यानी जनेऊ बरुआ संस्कार है, सकाम भागवत आदि कथा है, विवाह नए वस्त्र धारण करना है यह नहीं होना चाहिए, तुला आदि का दान प्रथम बार, कोई आप व्रत आरंभ कर रहे हैं तो वो भी न करें, अन्न प्राशन वह न करें, समावर्तन है, अतिक्रांत है, नामकरण आदि संस्कार है यह नहीं करें, और किसी भी व्रत के पूरा होने पर उसका उद्यापन वह नहीं करना चाहिए, पवित्रारोपण यह नहीं करें, शयन और परिवर्तन आदि भगवान के उत्सव नूतन जैसे शपथ ग्रहण है वह नहीं करना चाहिए, संतान के जन्म के बाद प्रथम बार ससुराल जाना आदि कोई भी शुभ कार्य, नूतन एवं काम्य कार्य इस एक महीने के दौरान बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो कुल मिलाकर के यह जो मैंने अभी बात कही, जो मैंने विषय बताया नहीं करना चाहिए, तो इसके विपरीत क्या करना चाहिए, तो आपको अपना मन और तन इस एक महीने भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति ही समर्पित कर देना चाहिए। साल 2023 में धनुर्संक्रांति का प्रारंभ होगी। एक महीना भुवन भास्कर सूर्यदेव वृश्चिक राशि में लगातार गमन करके धनु राशि में प्रवेश करते हैं, एक महीने तक मकर संक्रांति तक रहते हैं, वहां से फिर सूर्य भगवान मकर राशि में आ जाते हैं। तो जो एक महीने धनु राशि में रहते हैं उसी को हम लोग धनुर्मास कहते हैं। आइए बात करते हैं साल 2023 में यह धनुर्मास कब से कब तक रहेगा। धनुर्मास साल 2023 में प्रारंभ हो जाएगा संवत 2080 मार्शिष मास से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शनिवार 16 दिसंबर 2023 दोपहर 3:58 और यह धनुर्मास समाप्त होगा पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि रविवार 14 जनवरी 2024, जिसको हम लोग मकर संक्रांति भी कहते हैं। तो यह एक महीना बिल्कुल भी संसारी कार्य करके उनको पूर्ण त्याग करके अपने मन को संयमित रख करके जितना हो सके आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहे।